धन इंडिया। माय स्वीट ब्यूटीफुल गॉर्जियस वाइफ, क्या तुम प्लीज मेरे लिए एक गाना सुनाओगी? थैंक्स। संगीता, 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 तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे दिन साजना। संगीता और रजत एक खुशनुमा वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। रजत संगीता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी पत्नी पर जान लुटाने वाला पति उसके साये से भी दूर रहने लगा? शादी के 5 सालों तक टूट कर चाहना और फिर मिलने से भी डरना, आखिर क्या था इन सब बातों के पीछे? गाना कैसा लगा? तुम जो भी करो, मुझे अच्छा लगता है। संगीता, आई। संगीता आई बाबा। क्या कर रही हो? खाना बना रही। अच्छा, खाना बना रही? वेरी स्ट्रेंज। पालक? क्या बना रही हो? दाल पालक। दाल पालक और भिंडी। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बाजार गई थी ना, इसलिए। लेकिन तुम इतनी धूप में बाहर क्यों जाती हो? घर का सामान भी ना लेने जाओ। नहीं नहीं, जाओ तुम, लेकिन एटलीस्ट सनस्क्रीन लगा के तो जाओ यार। तुम काली होगी तो तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो। देखो देखो, सनबर्न हो गया, कितना टैन हो गया। ओके बाबा। लिसन, आई मीन इट। ओके ओके, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये बताओ कि आज मैं कौन सी शर्ट पहनूं?
ओकेजन क्या है? ओकेजन? माय वाइफ इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, दैट्स द ओकेजन। मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे? मतलब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे दांत गिर जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, तब भी? You know what? तुम इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि ऊपर वाला भी तुमसे तुम्हारी खूबसूरती छीन नहीं सकता है। और जब ऊपर वाले में इतनी हिम्मत नहीं है तो यार हमारी इतनी क्या हैसियत कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी प्यार न करूं। संगीता, संगीता तुमने कहाँ रख दिया मेरा वो जो मैं भूल गया था यहाँ पे, और बहुत भूख लगी है, मैं तब तक गाजर खा लेता हूँ। क्या चल रहा था ये सब? पांच साल हो गए तुम लोगों की शादी को, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। लेकिन पुत्र, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? नहीं तो वाहेगुरु की कृपा होती है, हमने भी तो कितनी प्रार्थना की है, कोई मंदिर कोई मस्जिद नहीं छोड़ा, जहां कोई कहता है वहां चले जाते हैं प्रार्थना करने, लेकिन फिर भी। मामी जी, मैं और रजत भी फैमिली शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक बात कहूं पुत्र, मेरी एक सहेली है, उसकी बहू को भी ना बहुत सालों तक बच्चा नहीं हुआ था, फिर वो उसे एक डॉक्टर के पास लेके गई और उसके इलाज से उसे बच्चा हो गया। हम भी वहां चले? जी मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, देखिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। मैं इनके लिए दवाई तो लिख देती हूँ जिसका असर होने के 90% चांसेस है। इनका हार्मोनल डिसऑर्डर है एंड कुछ स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस भी देने होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी मिलेगी। बस एक बार कंसीव हो जाए तो आपका बेबी भी स्वस्थ और सुंदर होगा। सुंदर क्यों नहीं होगा, मेरी बहू भी तो इतनी खूबसूरत है, तो बच्चा भी सुंदर ही होगा। संगीता की सास 5 साल से दादी बनने का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर की बात से उन्हें उम्मीद हो चली थी कि अब वो जल्द ही दादी बन जाएगी। संगीता को भी यही लगा था कि खुशियों ने एक बार फिर से उसकी जिंदगी में दस्तक दी है, और संगीता सही थी। नई डॉक्टर के इलाज की बदौलत अब वो माँ बनने वाली थी और पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। एक बात बताइए समधन जी, डिलीवरी कहाँ होगी? मैं सोच रही थी कि अगर ये हमारे घर आ जाती तो। हाँ? अरे मम्मी जी, पहले मुंह बिठा दीजिए। ये कहीं नहीं जाएगी, डिलीवरी यहीं होगी। ठीक है रजत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये आपकी बेटी कम हमारी बेटी ज्यादा है, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए इससे ज्यादा तसल्ली की बात और क्या हो सकती है। इसी बात पे एक बार फिर मुंह मीठा समधन जी। खिलाइए खिलाइए। अरे आप भी मीठा कर दीजिए। अरे बेटा बस बस। रजत, अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि रहा ही नहीं गया। बाहर इतने सारे लोग आए हैं और तो क्या हो? अब हम दोनों अकेले नहीं हैं।
हमारे बीच में कोई तीसरा भी है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया, सॉरी सॉरी सॉरी, बैठो बैठो, मैं तो भूल ही गया था कि हम दोनों के बीच में अब कोई तीसरा भी है। कुछ कह रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके 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 ओके, और ये ही और शी जो भी है वो कह रहा है कि मुझे यकीन दिलाओ कि आप मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हो। नहीं ट्रस्ट मी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है, तो इसे यकीन दिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाहर इतने लोग आए हुए, तो क्या ये दाग कैसा है? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। अरे नहीं ट्रस्ट मी, बहाना नहीं। अच्छा ओके ओके। संगीता, संगीत, मम्मी जी देखिए ना, आप समझाइए ना इन्हें। बेटा जी। माँ थोड़ा दूर रहा कर आजकल। जी। एक काम कर, तू कह रहा था ना कि दो तीन दिन के लिए तुझे टूर पे जाना है, तो वो हमारी बैंगलोर वाली कंपनी है ना, वहाँ चला जाओ। हाँ माँ, मैं वैसे भी कुछ दिनों में जा ही रहा हूँ। लेकिन इस समय बाहर जा, मेहमान इंतजार कर रहे। जी जा रहा हूँ। बेटा तू भी अपना ध्यान रखा कर, अब जल्दी से बाहर आ जा। रजत। या बेबी, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। समझ गया, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, है ना? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं यूं गया और यूं आया। इसके बाद बेबी तुम्हारी सारी शिकायतें पूरी कर दो। ओके, नाउ गिव मी अ स्माइल, स्माइल, गिव मी अ हग। ये क्या है डॉक्टर? इसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं और आम भाषा में फुलेरी। छोटे छोटे दाग पूरे शरीर में फैल जाते हैं। पर इसकी वजह क्या है? इसका कोई खास स्पेसिफिक रीजन नहीं है डॉक्टर, पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? ये देखिए, ये डोंट वरी संगीता, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। डॉक्टर इससे मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? इससे तुम्हारे बच्चे पर कोई तकलीफ नहीं होगी, ये छुआछूत की बीमारी तो है नहीं और इसमें कोई शारीरिक तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ तुम्हारे आसपास के लोगों में एक विजुअल शॉक हो सकता है, पर अगर तुम चाहो तो अपने हस्बैंड को लेकर आ जाओ, मैं उन्हें सारी बात समझा दूंगी। नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत बताइए, इनफैक्ट आप किसी को कुछ मत बताइए, सही टाइम आने पर मैं ही कह दूंगी। पर संगीता, संगीता के शरीर पर फैलते सफेद दाग की तरह उसके मन में भी निराशा का अंधेरा फैलता जा रहा था। अब उसकी एक ही उम्मीद थी, रजत। संगीता ने फैसला कर लिया था कि रजत के वापस आते ही वो उसे सब कुछ बता देगी, क्योंकि अब रजत ही उसे इस तकलीफ से बचा सकता था। Thank you.
संगीता पुत्र, ये कैसे कपड़े पहन रखे, वो भी इतनी गर्मी में? माँ जी वो मेरा स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि दवा लगाने के बाद ढक देना। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, बस थोड़ा टैन हो गया। तुम आजकल की कुड़िया भी ना, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि डॉक्टर के पास चली। माँ जी चाय लीजिए ना। बेटा आजकल संगीता का व्यवहार बड़ा अजीब सा हो गया है। जब से उसे पता चला है ना कि वो माँ बनने वाली है, 24 घंटे अपने कमरे में घुसी रहती है। पता नहीं उसे ऐसा लगता है जैसे मैं उसका बच्चा खा जाऊंगी। डॉक्टर के पास भी अकेली जाती है। अरे माँ तो आप उससे बात क्यों नहीं करती? शायद उसे देखभाल की जरूरत हो। पांच साल से उसकी देखभाल मैं ही कर रही हूँ, और अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर रही, तो मैं उसे उसके मायके भेज देती हूँ, वरना मुझे मेरे तरीके से देखने दे। ठीक है माँ, आप अपने तरीके से देख लीजिए, लेकिन प्यार से, ओके? और एक बात तू भी सुन ले, उसे कोई फोन मत करना और ना ही उसका कोई फोन उठाना। माँ माँ ठीक है, मैं भी मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। संगीता, एक मिनट, माँ जी मेरे साथ ये सब हो गया है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ रही थी। माँ जी आप मुझे गलत समझ रही थी, ये देखिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मुझे मदद की जरूरत है। माँ जी तू एक काम कर, तू अपने मायके चली जा। माँ जी मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ। नहीं माँ जी, माँ जी दूर दूर तेरी ये बीमारी इस घर में फैल जाए, तेरे मायके में नहीं। माँ जी ये छुआछूत की बीमारी नहीं, दूर। ये न्यूकोडर्मा माया फुलेरी, ये छूने से नहीं फैलती। मैंने कहा ना दूर हो जा, मुझे मत छू। तुझे अपने मायके जाना ही होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ जी, ये घर आपका जितना है उतना ही मेरा भी है। और अगर आपको ये बीमारी हो जाती तो क्या मैं आपके साथ ऐसा करती? हाँ माँ। रजत बेटा। जी बोलिए। तुझसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। कैसे झगड़ा हुआ संगीता से? हाँ माँ, आपने कहा था ना कि आप अपने तरीके से मैनेज कर लेंगी, तो कीजिए ना प्लीज, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं आप? ठीक है,
मैं ही संभाल लेती हूँ। जी आप कुछ मत बताइए। तुझे क्या लगता है रजत को पता नहीं चलेगा? माँ जी वो आ जाएंगे तो मैं खुद उन्हें बता दूंगी और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएंगे, लेकिन आप उन्हें कुछ मत बताइए प्लीज माँ जी प्लीज। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुझे आज ही ये कमरा खाली करना होगा। बाहर जो स्टोर रूम है वहां जाके रहो। माँ जी ये दूर दूर। माँ जी ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, चाहो तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, ऐसा मत कीजिए। माँ जी मैं किसी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहती, समझ गई? जब तक रजत नहीं आता ना मुझसे दूर रह, तू दूर रह। तेरे कपड़े और ये साबुन और तौलिया, अपने कपड़े यही धोना और वहां दूर जाके सुखाना। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी जी ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ऐसा मत कीजिए। देख उन्हें कहा था कि मैं किसी से ही बात ना कहूं तो मैं मान गई, फिर तूने कहा कि रजत आएगा और वो फैसला करेगा, वो भी सही। अब तू जाने और तेरा पति जाने, लेकिन जब तक रजत नहीं आता ना तुम मेरे पास आना भी मत, दूर रहना मुझसे, समझ गई? एक ही पल में संगीता की सारी खुशियां छिन गई थी। जिस घर में उसे रानी की तरह रखा गया था उसी घर में उसकी सांस उसे जानवरों की तरह बर्ताव कर रही थी। वजह, उसे ल्यूकोडर्मा हो गया था, जिसे हम आम भाषा में सफेद दाग कहते हैं। वास्तव में ल्यूकोडर्मा कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है जो छूने से या साथ रहने से फैलती है, लेकिन संगीता की सांस को यही वहम हो गया था। संगीता को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तकलीफ से भी जूझना पड़ रहा था और उसे ये तकलीफ खुद अपने परिवार से मिली थी। हेलो माँ, ये संगीता का फोन क्यों बंद है? अरे रजत बेटा कैसा है तू, कब आ रहा है? माँ मैं ठीक हूँ, मुझे संगीता से बात करनी है। ठीक है, मैं उसको कहती हूँ कि वो अपना फोन ऑन कर लेगी। अरे ओफो माँ, आप अपना फोन दीजिए जन उसे। हेलो रजत। हाँ जान, क्या हुआ, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? हाँ क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, माँ ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं रजत, मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा सुनो, मैं आज रात को वापस आ रहा हूँ, ठीक है? लेकिन फ्लाइट थोड़ी लेट है इसलिए तुम सोना, मेरा वेट करना। आई लव यू। लव यू टू रजत। अच्छा सुनो, रात को ना तुम मेरी वही फेवरेट वाली नाइटी पहन लेना, ठीक है? ताकि मैं जब वापस आऊं तो अपनी खूबसूरत सी बीवी को देखूं। बाय। रख दे फोन। तेरा पति आ रहा है ना आज, जा अपने कमरे में और उसकी इच्छा पूरी कर, देखते हैं अब क्या कहता है।
माँ आप अब तक जाग रहे हैं? खाना खा के आए हैं या खाएगा? नहीं माँ, फ्लाइट में कुछ खा लिया था। संगीता कहाँ है? अपने कमरे में, जा मिल ले। माँ क्या हुआ है, किस बात का झगड़ा है? आज तक कभी भी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब क्यों, क्या हुआ है? कोई खास बात नहीं है, बस तू जाओ और उससे मिल ले। जान? रजत, कुछ मत कहो। माँ तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझता हूँ। रजत, मैंने माँ जी को बहुत समझाया लेकिन वो मुझे गलत समझ रही है। बेबी आई एम सो सॉरी कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा, लेकिन अब मैं आ गया ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। खैर ये सब छोड़ो यार, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है यार। Which is dying to see you. और पता है एक दिन तो मैंने तुम्हें इतनी याद आई कि मुझे लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा यार। रजत, मैं मैंने कहा ना तुम कुछ मत बोलो, इतने दिन तुमसे दूर रहा, तुम्हारी खूबसूरती देखने को तरसता रहा, लेकिन तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा यार? इतने अंधेरे में मैं अपनी खूबसूरत बीवी को देखूंगा कैसे? लाइट जलाओ ना। ओफो, मैं खुद ही जला देता हूं। माय ब्यूटीफुल वाइफ, शो मी योर ब्यूटीफुल फेस। ये क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगा मम्मी जी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे ल्यूकोडामा हो गया और डॉक्टर ने कहा है कि छूने से नहीं फैलता और हमारे बच्चे पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। मैंने मम्मी जी को बहुत समझाया था, वो नहीं समझी, मुझे यकीन है कि तुम समझोगे, है ना रजत? उसे ये बीमारी हो गई है और मुझे तो पूरा यकीन है उसके बच्चे को भी होगी, बल्कि मुझे तो ये डर है कहीं तुझे भी उसका असर ना हो गया हो। पता नहीं कब से है ये बीमारी इसे, धीरे धीरे सबको ना लग जाए। तू यहां क्यों आई? रजत निकाल इसे बाहर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे रजत से बात करनी। रजत प्लीज मेरी बात सुनो, रजत मुझसे बात करो। रजत मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा प्यार मेरे कोख में, तुम्हारा बच्चा है रजत। रजत चुप मत रहो, निकल बाहर, निकल निकल। रजत मेरी बात, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा निकल, निकल खबर बात इस घर में। दरवाजा खोलो। रजत मेरी बात सुनो, रजत रजत प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रजत प्लीज बाहर बहुत डरते, रजत प्लीज दरवाजा खोलो। रजत मेरी बात सुनो, रजत प्लीज। रजत इसका साया भी इस घर में पड़ना नहीं चाहिए। रजत यू लव मी ना, रजत यू लव मी ना। तू इसकी बीमारी के बारे में जानता है ना, फिर भी इसे अंदर ले आया? माँ संगीता यही रहेगी और ये बच्चा जैसा भी होगा मेरा होगा और मैं उसे अपनाऊंगा। इसकी बीमारी के बावजूद? हाँ,
और अगर आपको इसके यहाँ रहने से कोई तकलीफ होती है तो आप चाहे तो आप यहाँ से इस नए वाक्य ने संगीता के मन में एक नया विश्वास जगा दिया था। उसे रजत के साथ अपना रिश्ता और भी गहरा महसूस होने लगा। रजत के प्यार पर उसे पूरा विश्वास था। रजत! रजत! संगीता, क्या हुआ? संगीता क्या हुआ? सीढ़ियों में तेल गिरा हुआ। तेल सीढ़ियों में? तेल किसे गिरा है? मैंने थोड़ी गिरा है, मुझे क्या देख रहा है? अरे तुम ठीक तो? उठो उठो, हम लोग अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। उठो, चलो चलो। थैंक गॉड बच्चे को कुछ नहीं हुआ, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। माँ पैसा कह दूँ, मैं बात करता हूँ वहां से। नहीं, शायद तेल पहले से ही गिरा होगा। प्लीज संगीता, काम डाउन। देखो देखो, संभालो अपने आप को। ये एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। नहीं रजत, एक्सीडेंट सिर्फ एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि मम्मी मुझे नफरत करती है। नहीं संगीता, ऐसा नहीं है। देखो पहली बार मैंने तुम्हें समझाने के लिए मम्मी का नाम लिया था, लेकिन तुम तो अब क्या करो रजत, मैं यहाँ से फील नहीं करती। रजत प्लीज मुझे मम्मी के घर छोड़ दो। तो फिर भरोसा रखो मुझ पर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी। चलो घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चलकर सो जाओ आराम से। उठो 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 उठो, शाबाश। चलो रगड़ रगड़ के तो दिन भर तू उसे छूता रहता है। मजबूरी में उसे हाथ लगाना पड़ता है मां, उसके बच्चे को रास्ते से हटाना है। तो बीमार बच्चा पैदा हो गया तो उसका बोझ भी मेरे सर पे आ जाएगा। तो चिंता मत करना, इन दोनों का काम मैं तमाम कर दूंगा। वाह रजत, इतना बड़ा ढोंग, एक बार मुझे कह दिया होता मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाती और कभी वापस नहीं आती। मैं पागल थी ये सोचती थी कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करती, लेकिन तुमने तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से प्यार किया। हाँ मैंने तुम्हारी खूबसूरती से प्यार किया है, इतना सब कुछ हो गया और हमें बताया तक नहीं। मैं पुलिस को फोन करता हूं। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। देखिए जो भी हो वो हमारा दामाद है, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस मुसीबत से निपटना है। देखिए हमारी बेटी बीमारी की वजह से सदमे में है,
उसकी कोख में बच्चा भी है। सबसे पहले हमें उसे संभालना चाहिए। ओए पुत्र जी, तुम घबराओ नहीं पुत्र, हर चीज का इलाज है, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम पहले जैसे ठीक हो जाओगे। संगीता के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई में बहुत दर्दनाक था। तुझे आज ही ये कमरा खाली करना होगा, बाहर जो स्टोर रूम है वहां जाके रहो। दूर दूर। लेकिन कहीं ना कहीं संगीता को अभी भी ये उम्मीद थी कि एक बार बच्चा हो जाने के बाद उसका परिवार उसे अपना लेगा। इसी उम्मीद के साथ वो बार बार रजत को फोन करती रही, लेकिन हर बार कोई जवाब नहीं मिलता था। आखिरकार उसे ये मानना ही पड़ा कि उसे अपनी जिंदगी की लड़ाई अब अकेले ही लड़नी है। कंग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बेटा, नर्स अभी लेके आ रही है। माँ माँ, मुझे मेरे बच्चे को देखना है। हाँ हाँ, क्या हुआ? पापा, मेरा बच्चा। अब बेटा नर्स ला, नर्स। अरे इधर। हाँ ला, बच्चे को ला। ला बेटा। अरे घबराने की कोई बात नहीं, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, इसे कुछ नहीं हुआ। बेटा नाश्ता कर ले। रजत बेटा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, बहुत खूबसूरत है और उसे कोई दाग भी नहीं है। तुम आ जाओ उससे मिलने। बेटा तुम आओगे ना? जी आऊं। संगीता, मैं देखो, मैं जानता हूं कि मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी की खबर सुनी, मेरे से रहा नहीं है। मैं जानता हूं मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज माफ कर, मैं अपने बेटे को जी भर के देखना चाहता हूं, प्लीज। देखो तुम्हारे पापा हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। संगीता अब आंसू नहीं, रो मत, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आजा जा, 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 जा। बोले मुझे पूरा यकीन था रजत कि ये बच्चा हम दोनों के बीच की दूरी मिटा देगा। मुझे यकीन है कि मम्मी जी भी समझ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, है ना रजत?
अच्छा रजत, रजत ना, आपको पता है कोई आदमी बच्चे को कर गया था? हाँ। प्लीज पुलिस को फोन कर दीजिए। तुम सोचो क्या तुम हमारे बच्चे को बीमारी देना चाहती हो? क्या चाहती हो तुम कि हमारे बच्चे को भी तुम्हारी ये बीमारी लग जाए? क्या ये सब तमाशा हो रहा है? क्या देख के रहे आप लोग? ये पति पत्नी का बीच का मामला, आप लोग जाइए अपना काम कीजिए। अरे जाइए। संगीता देखो, समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हमारे हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूं। तुम्हें तो मेरा एहसान मत होना चाहिए यार। ये हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बच्चा है। सिर्फ मेरा। तुमने हमारे बीच में पति पत्नी का रिश्ता रहने का दिया। तुम एक धोखेबाज हो जिसे सिर्फ धोखा देना आता है। क्या संभालोगे मेरे बच्चे को? इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाइए। देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं मेरा बच्चा ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अक्सर देखा गया है कि जानकारी के अभाव में लोग सफेद दाग को एक बड़ी और खतरनाक बीमारी बांध बैठते हैं। रजत और उसकी माँ को उनके किए की सजा मिली। एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर जानलेवा हमला करने के लिए रजत को आईपीसी की धारा 307, संगीता पर अत्याचार करने के लिए आईपीसी की धारा 498A और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। रजत की मां सीमा को भी संगीता पर अत्याचार करने के लिए आईपीसी की धारा 498A और आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। पिछले 5 सालों से संगीता अपने माता पिता के साथ रह रही है और अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रही है। उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है और आम बच्चों की जिंदगी जी रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी में दिए गए संदेश को समझें और किसी के साथ बुरा बर्ताव करने से पहले 100 बार सोचें। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।